श्री राम जी किसकी पूजा करते हैं, श्री राम जी किसका ध्यान धरते हैं? हैं जी, क्या बात है। और ये 100 पुष्प मात्राएं आप है धर्मेंद्र रैकवार जी, और ये 100 मुद्राएं आप है प्रवेश कुमार भगत जी, जो गद्दी का समय इनका है सुबह 10 बजे, ये हमारी बहन गुड़िया जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हनुमान जी श्री राम जी की पूजा करते हैं, तो श्री राम जी किसकी पूजा करते हैं जी, किसकी? शंकर जी की। क्या बात है, मैंने कहा ना बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ जी, शंकर जी की पूजा करते हैं श्री राम जी, एक दूसरे के आराध्य हैं। बोलिए सच्चे दरबारी की, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे राम दूत हनुमान का नर, बोलिए जी। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप है बालाजी पैलेस के जो मालिक है हमारे शैलेंद्र सिंह जी, रघुवंशी जी जो फेड़ी के निवासी, इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं हमारी बहन गुड़िया जी के लिए। हाँ वैसे अगर वैसे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक साथ जब आएगा ना तो ठीक रहेगा, है ना जी। हे राम दूत हनुमान का नारा, कौन सा नारा बोलो जय। आपने बोला, ये सारे मूंगफली खाने में बिजी हो गए। हे राम दूत हनुमान का नारा बोल, और जोर से बोलो जय श्री राम। अब जरा हाथों गुड़ा के ताली बजाते हुए चलिए। हे राम दूत सुंदर। और इसी क्रम में आप है बहन प्रतीक्षा त्रिपाठी जी जलालपुर से हैं, इन्होंने हमारी बहन गुड़िया जी को 100 पुष्प मुद्राएं भेंट की है। और 100 पुष्प मुद्राएं आप है प्रेम सिंह भैया जी, ये परासन जनपद जालौन से इनका शुभ आगमन हुआ है जागरण में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 1100 रुपये का दान सहयोग, 11,000 रुपए का दान सहयोग आप है ज्ञानेंद्र सिंह जी फेड़ी, और
5,5100 रुपया का दान सहयोग आप है। प्रत्येक तिवारी जी जिला संवाददाता भेड़ी 501 रुपया का दान सहयोग। अभिषेक द्विवेदी जी भरुआ सुमेरपुर और 1100 रुपया का दान सहयोग आप है। रघुवीर वर्मा जी ये भेड़ी ग्राम के निवासी है। इन सभी दानदाताओं ने माता जी के परम भक्तों ने यज्ञ भगवान में दान भेंट किए हैं। यज्ञ भगवान इनका भंडारा हमेशा हरा भरा रखे, इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए माहेश्वरी देवी मैया की। भूल जाते हैं भाई, जयकार जब भी लगानी है तो कैसे लगानी है? माहेश्वरी देवी मैया की। मैंने कहा जी समर्पण भाव से चलिए। जो बाउंड्री खड़ी है अगल बगल, क्या जगह नहीं है क्या भैया? जगह है ना तो बैठ जाइए। आप थोड़ी ही देर के लिए अगर आए हैं कोई बात नहीं, जितना समय लेकर आए हैं बैठ जाइए। ये भारत भूमि की वो पावन मिट्टी है, माँ के दरबार की वो मिट्टी है। अगर इस मिट्टी से कपड़े गंदे भी हो जाते हैं तो शर्म मत करिएगा, बैठ जाइए, ये आपका सौभाग्य है। भैया बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था कमेटी की तरफ से रखी गई है। प्रार्थना है कि जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर बैठ जाए। सभी लोग बैठ करके कार्यक्रम देखें, बहुत ही माँ का ये पावन पवित्र भूमि है। सभी लोग बैठ जाएं, बैठ करके कार्यक्रम को देखें। हेलो 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 हेलो। हमारे समिति के जितने भी हमारे अध्यक्ष जी की टीम है कहाँ बैठे हैं? अगर इधर जगह नहीं तो मंच पर आकर के ऊपर आकर के 4-5 लोग हैं बैठ सकते हैं। इधर आ जाइए। हमारे हरि कृष्ण द्विवेदी जी, आप अपना जो भी बैच है सब लोग आकर के यहाँ मंच पर आ सकते हैं, आ जाइए, क्योंकि आप लोग सामने नहीं होते आनंद नहीं होता। बिगड़ी हुई हर बात को बोलिए। 1000 पुष्प मुद्राएं आप हैं। हमारे माननीय धीरज सिंह चौहान जी जो वर्तमान ग्राम प्रधान भेड़ी है, उनकी टीम के द्वारा 1000 रुपए हमारी बहन शलोनी जी को दिए गए हैं। आप हैं रघुराज प्रताप सिंह जी, विभू सिंह जी, पंकज पाल जी, जीतू यादव जी और रवि यादव जी, सुनील सिंह जी, ये हमारे प्रधान जी की टीम है। उनके द्वारा 1000 रुपए पुष्प मुद्रा हमारी बहन जी को भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं राम बाबू भगत जिनकी ओर से 1 से 1 रुपए, और आप हैं बबलू और मुक्ता जी की तरफ से 251 और 251 रुपए की पुष्प मुद्राएं, और आप हैं हमारे प्रवेश कुमार भगत जी जिनकी ओर से 1 से 1 रुपए महामाई के चोड़ों में आए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए महेश्वरी मैया की। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप है नरेश यादव जी, ऑपरेटर जेसीबी भेड़ी, इनके द्वारा हमारी बहन को दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए आप सब बहुत सुनकार हैं, जैसा मुझे बताया गया था। आप आदेश करेंगे तो पुराणों से भी संबंधित कुछ विशेष भजन यहाँ पर सुनाए जाएंगे। माता के दरबार में अगर आप रावण का भी भजन बोलेंगे तो वो भजन भी बहुत विशेष है हमारा।
अगर आप बोलेंगे तो रावण की भी रचना आज इस मंच के माध्यम से होगी। करुण क्रंदन करता है रावण कि प्रभु ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके हाथों मारा गया, लेकिन राम ने पूछा कि तुम इतने बुद्धिजीवी इतने बलशाली होने के बावजूद भी राम कारण क्या था कि आज युद्ध भूमि पर धराशाही पड़े हुए हो। आदेश होगा मैं तभी गाऊंगी रावण की रचना। लोग कहते हैं कि काला रंग अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, लेकिन गुड़िया सलोनी ये दावा करती है कि काला रंग कौन कहता है कि अशुभ होता है, काला रंग बड़ा निराला होता है। लाखों हजारों करोड़ों में एक रंग काला होता है जो शुभ होता है, लेकिन मैं माता के दरबार से दूर नहीं जाऊंगी, चाहे वो रावण की रचना हो, काला पीला नीला कोई भी भजन हो मेरा, लेकिन काला रंग बड़ा विशेष होता है। उसमें बहुत सुंदर भजन है, एक आदेश होगा तो सुनाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आदेश करेंगे तो श्री श्याम के चरणों में श्री श्याम किसी इस दान की कहानी या जो आदेश जो फरमाइशें होंगी वो सुनाऊंगी। आदेश करेंगे तो देशभक्ति, देश के लिए भी कुछ विशेष होगा आपके आदेशानुसार। आइए और ये 200 पुष्प मुद्राएं आप है भैया अभिषेक द्विवेदी जी, जो भरुआ सुमेरपुर से उनका शुभागमन आज माता जी के इस पावन सिद्ध स्थान पर हुआ है। उन्होंने ये 200 पुष्प मुद्राएं हमारी बहन सलोनी जी को दिए हैं, भेंट किए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए भाई कुछ आदेश हो रहा है, जिनके मैं नाम ले रही हूँ उन सभी को मेरा प्रणाम है। ये आपकी बेटी, आपकी बहन, ये पुजारण, आप सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती है और प्रार्थना करती है कि जैसा आदेश हुआ है कि दीदी आप इन्हें यहाँ, हेलो हेलो, इन्हें मंच पर बुलाएं। तो ये प्रार्थना है इस बेटी की, आप सभी आए, हमारे अखिलेश भैया, अखिलेश शुक्ला जी, अंजी तिवारी जी और हमारे हरि किशन द्विवेदी जी जो कि अध्यक्ष हैं, और अखिलेश शुक्ला जी, अंजी, अंजी है कि अंजलि है, अंजी अंजी जी बिल्कुल, अंजी तिवारी जी, हमारे मोनू भैया, मोनू सिंह जी, संजय द्विवेदी जी, बबलू सिंह जो मुखिया हैं, मुखिया को तो पीछे होना ही नहीं चाहिए, मुखिया जी कहाँ है भाई, मुखिया जी कहाँ है, बबलू सिंह जिनका जिनका नाम लेते जाएं, मैं चाहूंगा आते जाइए, अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हेलो, हाँ ध्यान दे, हमारे अध्यक्ष जी आप सभी को याद कर रहे हैं, हमारे यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बबलू सिंह मुखिया जी, कोषाध्यक्ष अंजी तिवारी जी, अखिलेश शुक्ला जी, मोनू सिंह जी और हमारे महामंत्री विकास सिंह जी, जहाँ कहीं भी हो कृपया आप मंच के पास पधारें। जय हो। आए भाई अखिलेश शुक्ला, अंजी तिवारी, हरि किशन द्विवेदी, अखिलेश शुक्ला जी, अंजी तिवारी जी, मोनू सिंह और हमारे संजय द्विवेदी जी, बबलू सिंह जो मुखिया जी हैं, और ये संगोत्राएं आप है एमडी यादव जी, इन्होंने बहन गुड़िया शैलोनी जी को दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सच्चे दरबार की, बिगड़ी हुई हर बात को संवार देगी ये माँ, विश्वास रखिए सब कुछ मिलेगा, समय से पहले भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है जी, सही है ना। बोलिए सच्चे दरबार की, बिगड़ी हुई हर बात को, बिगड़ी हुई हर बात को संवार देगी माँ, तूफान से तेरी कश्ती को उबार देगी माँ, सोचा महेश्वरी देवी मैया की। अच्छा ये बात तो थी महेश्वरी देवी मैया की, अब एक चीज और बताइए,
जम्बू कटरा कौन कौन गया है? वैष्णो रानी कोई गया है जी? गए भैया? ओहो, अच्छा इतने की भीड़ में खाली 7 लोग गए हैं? 8, 9, 10, 11 सोच सोच के हाथ उठा रहे। दीदी आप नहीं गई हैं? नहीं गई, कोई बात नहीं, बहुत कम लोग गए हैं। जाना कौन कौन चाहता है? जाना कौन कौन चाहता है जी? सभी जाना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ झूमते हुए चलिएगा, ताल से ताल मिलाते हुए चलिए। और जाया कैसे जाता है, वहां जाने का तरीका जरा सुनिएगा। अगर आगे के एक भक्त ने कहा, सुनिए मैं वहां की बात बता रही हूँ, पागलपन किसे कहते हैं। आगे के भक्त ने कहा कि जयकारा शेरा वालिदा, तो पीछे से आवाज आती है कि बोले सांचे दरबार की जय। आइए हाथों को खोल के जरा ताली बजाते हुए चलिएगा और कहिए माँ से क्या, हे माँ को जानो और पहचानो, मैंने माना अब तुम भी मानो क्या, बांध लो बांध लो बांध लो सर पे चुनरिया। क्या बात है, लेकिन इन्हीं हाथों को ऊपर करिए पहले। हाथ ऊपर कैसे किए जाते हैं जरा सुनना, देखना जरा हाथ ऊपर करना अम्मा, ये कोना काफी उधर वाला, ऊंचे ऊंचे और ऊंचे ऊंचे, आप लोग भी जरा हाथों को ढके, हे बांधे लो सर पे चुनरिया। माँ को अपने घर आंगन में कौन कौन बुलाना चाहता है? अपने घर आंगन की मैं बात कर रही हूँ,
अपने घर में कौन कौन बुलाना चाहता है भाई? आप लोग नहीं बुलाओगी? अरे 56 भोग तो आपको बनाना पड़ेगा ना, फिर माँ को जो बुलाना चाहती, जरा दोनों हाथों को उठाइए और ताली मत बजाइएगा, सिर्फ ऐसे ऐसे करिएगा, कैसे बुलाइए माँ को। एक बार आदरणीय आप लोग भी जरा हाथों को उठाइए, मैया के लिए, किसी कलाकार के लिए नहीं, सिर्फ माँ के लिए, जरा दोनों हाथों को उठाके और बुलाइए मैया से, कहिए मैया